स्पेसिफिक हीट आपने केमिस्ट्री के अंदर भी की हुई है, और स्पेसिफिक हीट में ये मेंशनड है कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। मतलब आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास लेट अस सपोज कोई भी एक बॉडी है, उसका मास यूनिट मास है, और आप हीट उसको देना चाहते हो ताकि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। उसको छोटे सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है मेरे पास तो मास ज़्यादा है, एम के जी है, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? एम इंटू सी है। और अगर वो कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए हीट एम इंटू सी चाहिए, और अगर टेम्परेचर डेल्टा टी है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? एम सी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आप बहुत यूज़ करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी के जो यूनिट्स हैं, सी के जो यूनिट्स हैं वो क्यू डिवाइडेड मास एंड डेल्टा टी है। या तो ये जूल पर के जी पर डिग्री सेल्सियस है, या ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में होगी। क्लियर है? इसके यूनिट्स भी क्लियर हैं, ठीक। तो इसके अंदर पॉइंट सिर्फ इतने हैं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अंदर ये स्पेसिफिक हीट छोटे सी से रिप्रेजेंट करनी है, इंपॉर्टेंट है। छोटा सी बड़ा सी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सी नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है जब यहाँ पर नॉर्मल मास है, 10 kg, 5 kg, 6 kg मास है, सिंपल है। और एक स्पेसिफिक हीट है मोलर स्पेसिफिक हीट, उसके अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर मोल्स हैं। तो आपको 10 मोल्स या 15 मोल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो n इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का सिंबल बड़ा सी यूज करेंगे, इसे मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आप फिजिक्स की बुक्स में देखेंगे कहीं कहीं छोटा सी है, कहीं कहीं बड़ा सी है। छोटा सी का मतलब पर के जी है, बड़े सी का मतलब पर मोल, मोल के साथ चलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? अगर मान लो आपकी हीट जो है वो एम सी डेल्टा टी है, अगर आप मास तो कितना भी लें लेकिन राइज इन टेम्परेचर सिर्फ 1 लें, यूनिट टेम्परेचर, तो क्या बचेगा? एम इंटू सी। इस एम इंटू सी के प्रोडक्ट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी इज मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो इसमें 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपने याद रखना है, और बस नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे।